नमस्कार, मैं संजय मेहरोल और और आप देख रहे हैं एबीएम न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। इस वक्त मैं खड़ा हूं साइन कोलीवाड़ा के सरदार नगर 4 में अनुराधा टावर के नीचे। अनुराधा मंडल ने जिस तरह से यहां पर एक प्रदर्शन चल रहा है एक बिल्डर लग्जरी बिल्डर के खिलाफ, वो प्रदर्शन क्यों है? प्रदर्शन का कारण केवल इतना है कि 2006 से इन लोगों ने अपने घरों के खरीदारी के लिए जो पैसे दिए थे उस बिल्डर ने आज तक इनको घर नहीं दिए, जबकि उसका वायदा था कि 2012 और 11 तक इनको हर हालत में मकान दे देगा। इन लोगों ने किस तरह से पैसे दिए मैं समझता हूँ, जैसा कि इन लोगों का आरोप है कि हमने अपने मकान तक बेचे, गिरवी पैसा अपने मकान का डाले, जेवर गिरवी डाले, तरह तरह से इन्होंने पैसा इकट्ठा करके उस बिल्डर को दिया, लेकिन आज तक इनकी बिल्डर ने ना घर दिया ना इनकी कोई सुनवाई की। बताते हैं इन लोगों का आरोप है कि जब हम बिल्डर के पास जाते हैं या कोई बात रखते हैं तो बिल्डर इनकी बात न सुन के उनको उल्टे ही इनको धमकाता है। आज हमारे बीच इस प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता ललित चोपड़ा जी खड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री तक इस आवाज़ उठाने की कोशिश की कि जिससे इन बेघर लोगों को घर मिले। ललित चोपड़ा जी आप बताइए इस मामले में पूरा क्या आरोप है आपका? ये मामले में जैसे कि ये जो रहवासी हैं आपके सामने सारी पब्लिक खड़ी है फैमिली के साथ में उतरे हुए, 2006 में इन्होंने यहाँ पर मकान बुक किया। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट 2002 से शुरू हुआ है, 2006 में सबने पैसे देने शुरू किए और 90% लोगों ने पेमेंट कर दिए, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, फिर भी लग्जरी बिल्डर्स जो दिनेश घाड़गे है ये इन लोगों को सिर्फ आश्वासन ही दे रहा है और ना ही कभी ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में मिलता नहीं, उसके वहाँ पर कुछ लोग होते हैं इनको डरा धमका कर भेज देते हैं। काफ़ी परेशान होने के बाद में ये सब इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद मालूम पड़ा कि ये जो जगह थी ये थी बालवाड़ी, यहाँ पर अनुराधा मंडल की बालवाड़ी थी, यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे। आज 11 साल से बच्चों का भविष्य भी अधर में लटका है। एजुकेशन जो गरीब बच्चों को जो सरकार बोल रही है कि गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाया जाए, यहाँ पर गरीब तबके के लोग झोपड़पट्टी के लोग यहाँ पर आके पढ़ते थे, अनुराधा मंडल वाले इनको फ्री में पढ़ाते थे, उनकी बालवाड़ी भी आज पिछले 11 सालों से बंद पड़ी है। यहाँ पर बच्चों का जो भविष्य है वो अधर्म है। जब हमने मैंने खुद जाके लग्जरी बिल्डर दिनेश घाटगे से मिलने की कोशिश की, 2-3 बार उनको फ़ोन किया, उनके आदमियों ने आश्वासन दिया आज मिलते कल मिलते, ऐसा करते करते उन्होंने समय बिता दिया। हार कर हमने जाके महाराष्ट्र के जो फाइनेंस मिनिस्टर है सुधीर मुनगंटीवार जी से जाके मुलाकात की, इन परिवारों ने उनको ज्ञापन दिया और अपनी जो हालत है आप बीती उनको बताई, तो उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट के जो मुख्य सचिव है उनके पास हमें भेजा। मुख्य सचिव ने जब पेपर देखे, पेपर देखने के बाद में उन्हें भी गुस्सा आया, उन्होंने तुरंत म्यूनसिपल कमिश्नर को आदेश दिया, इंक्वायरी बिठा दी। उसके बाद में कंज्यूमर के जो हमारे मिनिस्टर है गिरीश बापट जी, फिलहाल वो हॉस्पिटलाइज है इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, उनको भी हमने ज्ञापन दिया और 30 तारीख को हम सभी रहवासी यहाँ परचेसर यहाँ के जो टेनेंट है और बालवाड़ी के अनुराधा मंडल की जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें हैं ये सब 30 तारीख को आज़ाद मैदान पे अपने हक के लिए एक मोर्चा लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर भी हमारा धरना प्रदर्शन होगा और हम यही कोशिश है कि जल्द से जल्द इन लोगों को इनका मकान मिले। ये थे ललित चोपड़ा जी जिन्होंने कहा कि किस तरह से यहाँ के लोग परेशान हैं, उनके लिए घर नहीं मिल रहा है। हम यहाँ पर अनुराधा मंडल के लोग भी खड़े हैं, उनसे जानना चाहता हूँ, जैसा कि बताया गया कि अभी तक उनको इसके अंदर जाने दिया जाता था लेकिन आज उनको नहीं जाने दिया, किस तरह मैडम क्या आज कैसे क्या हुआ? आज मेरी बिल्डर से बात हुई कि हमारा आज जनरल बॉडी मीटिंग है, कैसे भी करके आज हमारी मीटिंग यहाँ होने दो, नेक्स्ट टाइम जो होएगी हम कहाँ भी करना हो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं पहले, मगर इसने मेरे को हम लोग को आज इजाज़त नहीं बोलता, आज मैं किसी हालत में भी आप लोग को ये जगह नहीं दे सकता हूँ। फिर हमारा पूरा सामान ऊपर रजिस्टर वगैरह सब एजीएम सब ऊपर पड़ा है, मैंने बोला एक जन जाता है उसे हम निकाल, बोलते वो भी नहीं जाओगे तुम लोग, वो भी नहीं जाओगे आप, चाबी जो उन्होंने यहाँ पे रखा है आदमी काम का मंगेश को, उसको बोला कि तू ऊपर से कबाड़ से आप लोग चाबी दो आपको निकाल के नीचे ला के देगा। इस मामले की शिकायत आपने पुलिस वगैरह में की? नहीं अभी जस्ट आज ही बात हुई ना, ये तो आज ही मीटिंग था हमारा,
एजीएम का मीटिंग था तो हमारे को इन लोगों ने यहाँ से जगह लेके दी, वहाँ पे हमने अपनी मीटिंग की आज। मैंने बहुत फोर्स किया उसको कि आज हमारे को यहाँ करने दो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो जो बाहर करते हैं हमको, हमारे उससे कुछ मतलब नहीं रखेंगे, मगर हमारी इसी वजह से हमारे मेंबर लोग बहुत वापस चलेंगे जिनको मालूम नहीं पड़ा। फ्लाइट बुक किया है सब लोगों के साथ जाके, तब टोकन मनी दे के आए हैं और 2006 में उसको हमने 40% 2006 में ही 40% पैसा दे चुके थे और हमने उनको बोला कि भाई हमको अग्रीमेंट करो और रजिस्ट्रेशन करो, तो वो टालता रहा। हम 2011 तक हम वेट किए, हम 2011 में कंज्यूमर कोर्ट में गए, कंज्यूमर कोर्ट में केस डाला। वहाँ पे बिल्डर ने फोर्स डॉक्यूमेंट सबमिट करके वहाँ से गलत ऑर्डर लिया, फिर उस ऑर्डर को हमने चैलेंज करते हुए स्टेट कमीशन में गए, कंज्यूमर स्टेट कमीशन में। वहाँ पे हमने वो फोर्जरी का पेपर सबमिट किया तो कोर्ट भी आश्चर्यचकित था कि ऐसे फोर्जरी कैसे कर सकता है, और वो मेरे साथ फोर्जरी का चीटिंग नहीं किया, वो कोर्ट में फोर्जरी पेपर डाला, तो कोर्ट अभी उसके साथ लड़ रहा है और उसी पेपर पे उसका अरेस्ट वारंट निकला था। तो उसको सेशन कोर्ट में उसने चैलेंज किया, सेशन कोर्ट में हार गया, वहाँ से फिर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में भी उसका बेल कैंसिल हो गया। उसने 15 दिन का मुहलत मांगा 31 जुलाई तक, तो कोर्ट ने बोला ठीक है, अदरवाइज उसको हैज़ टू कम एंड सरेंडर इन फ्रंट ऑफ द पुलिस। अभी भी ये कहता है कि हम, और वो फ्लैट क्या किया, हम लोग का दो फ्लैट है, दोनों फ्लैट किसी और को बेचा, अग्रीमेंट एक का कहने का मतलब है कि आपको एक बार बेचा और एक बार दूसरे, हाँ। यानी कि एक फ्लैट दो दो बार बिल्डर बेच रहा है, और एक है उसमें, और एक है दूसरा, अपना रूम नंबर बोलो, 40 फ्लैट नंबर 401 और 402 है, ये दोनों फ्लैट दूसरे को बेचा, उनके ऊपर अग्रीमेंट कराया, और फिर से उसने अभी 19 मार्च 2015 में 99acres.com में 404th floor में फ्लैट अवेलेबल है 1,30,00,000 रुपए में, उसका एडवर्टाइजमेंट किया है। तो ये पता नहीं है और कितने फ्लैट किस को कितने कितने बात करता है ना, किसी चीज़ का मतलब जब भी फ़ोन करो गलत उल्टा ही जवाब देता है, वो नहीं चाहता है किसी को भी पीसफुल हैंडओवर करना। हम लोग ने हर समय कोशिश किया बात करने का, लेकिन कभी भी उसने हमको पॉजिटिव रिप्लाई दिया ही नहीं। तो नहीं भाई, इस पूरे प्रकरण में ये बताइए कि जैसे आप लोगों ने घर लेना है, लेकिन क्या पेमेंट आप लोगों ने पूरा किया है क्या? हम लोग ने 99% दे दिया है, किसी का 30,000, किसी का 35,000, किसी का 50, यही बाकी है, बाकी पूरा पेमेंट हम लोग दे चुके हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन की क्या स्थिति किया गया? नहीं, स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन हमारा सबका 5 साल पहले हो चुका, सबके पास 2010 में सबका स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन हो गया है, उसके बावजूद अभी तक नहीं, 2011 में जून में उसको हमें पोजीशन देना था, आज तक वो पोजीशन बेच के इस बिल्डर के पास मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जब 2010 में मैं जब आया था यहाँ पे, तभी 5 माले का काम चालू था, और मुझे बोला गया कि 6 महीने में 2011 में आपको पोजीशन दे दूँगा, अभी आप तुरंत पेमेंट कर दो, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन कराते। लेकिन आज तक पूरा 99% देने के बावजूद भी उसने हमको कुछ, अभी तक 7वां माले का मेरा फ्लैट है 701, लेकिन आज तक उसने पूरा काम कम्प्लीट किया ही नहीं है। और मैं इतना परेशान हूँ कि मेरे को पिछले दो साल से मेरे को हार्ट की बीमारी हो गई है अभी, और अभी मेरे इतना स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि मैं अपने परिवार का भी पूरी अच्छी तरह से ध्यान नहीं देख पा रहा हूँ। बिल्डर से मिलते हैं? बिल्डर से 3-4 बार मिला, हम लोग ने मीटिंग की है, जब भी फ़ोन करता हूँ मिलता नहीं है, 2 बार मीटिंग किया, अभी हाँ देता हूँ 6 महीने में, हर 15 दिन में 6 महीने में आपको देता हूँ, आपका ये काम चालू है, ये हो रहा है। मकान नहीं दिया, नहीं दिया अभी पूरा पेमेंट कर चुके हैं, सिर्फ 29,000 ही बैलेंस है, उस पर नहीं दिया। हाँ, उसके लिए मकान नहीं दिया, 29,000 बैलेंस है अभी, वो तो आज दे कल देगा। हम लोग इधर 74 में आया था, उसके बाद में हम लोग का ओनरशिप के लिए 2003 में हम लोग का ओनरशिप हो गया, 4 में उसके बाद ये बिल्डर आया, बिल्डर ने हम लोग का ओनरशिप का पैसा भरा 16,00,000 रुपये। बाद में हम लोग को बोला, सब एग्रीमेंट किया, ओल कस्टम में जाके सब कुछ हो गया, बाद में बोला कि देता है दो साल में। 2 साल हम लोग को भाड़ा 11 महीने का दिया, उसके बाद उसने क्या किया, 3-3 महीने का भाड़ा देते हैं हम लोग को, ऐसा तो नहीं है रूल, भाड़ा तो 11 महीने का ही देना चाहिए, फिर भी 3-3 महीने। फिर हम लोग बोला चलो 3 महीने का देगा ना, 3 महीने में देगा ना, भाड़ा ले लो ना। मैं हम लोग ने विश्वास रखा कि चलो अभी 3 महीने में देगा तो इसलिए वो देता है। बाद में हम लोग को ऐसा मालूम पड़ा कि उसका यही चाल है, 3 महीने में देगा। अभी तक उसका यही है, भाड़ा बराबर देता नहीं, हम लोग जाता है तो मिलता भी नहीं है, उधर हम लोग फोन करता है तो फोन उसका बेटा भी नहीं उठाता है, वो भी नहीं उठाता है। जिस तरह से आपने देखा कि लग्जरी बिल्डर के खिलाफ यहाँ पे लोगों का आक्रोश काफी तेजी से भड़का हुआ है, ये लोग यहाँ आज केवल प्रदर्शन करने के लिए नहीं इकट्ठे हैं, इनका कहना है कि आज हम
अगर इस तरह से इन्होंने बिल्डर ने बात नहीं मानी तो 30 तारीख को आजाद मैदान पर प्रदर्शन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर विभिन्न समाचार पत्रों की कटिंग लगी हुई है, इससे साफ प्रतीत होता है कि मीडिया ने कहीं ना कहीं इनकी बात उठाई है, लेकिन मीडिया द्वारा बात उठाए जाने के बावजूद भी बिल्डर के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। आप इधर देख सकते हैं कि जिस तरह तरह के अलग अलग समाचार पत्रों ने इस मामले को उठाया है और इनके हाथों में जिस तरह की तख्ती वगैरह है कि बिल्डर हाय हाय बिल्डर हाय हाय, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बिल्डर ने अपना काम को अंजाम नहीं दिया है। जिस तरह का ये प्रदर्शन आज हुआ है, लगता है कि अगर बिल्डर इनकी बात नहीं मानेगा तो 30 तारीख को, जैसा कि इन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है कि 30 तारीख को वो आजाद मैदान पर धरना देंगे, तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि बिल्डर के कानों में कहीं ना कहीं जू रहेंगे और वो निश्चित इनको घर मिले, इनके सपनों का घर मिले। मैं विनय पाठक, कैमरामैन अनिल विंग के साथ एबी न्यूज़ के लिए विनय पाठक।